सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। दोस्तों आप भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे या आप कंप्यूटर भी चलाते होंगे और आप गूगल तो ज़रूर यूज़ करते होंगे। दोस्तों आप भी गूगल से वॉलपेपर या फ़ोटो ज़रूर डाउनलोड करते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि जो फ़ोटो या वॉलपेपर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं उसे डाउनलोड करने पर आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी ऑनर्स की आप फ़ोटो या वीडियो या सॉरी वॉलपेपर जो आप डाउनलोड करते हैं गूगल से, अगर उनके ऑनर्स को ये पता है और अगर वो चाहें तो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आपको जेल भी हो सकती है। जब भी आप किसी की फ़ोटो या वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं तो उन्हें इस चीज़ की पता रहती है कि किस आईपी एड्रेस से फ़ोटो डाउनलोड की गई है या वॉलपेपर डाउनलोड किया गया है। और कई बार जो होता है, फ़ोटो आप डाउनलोड करते हैं लेकिन कोई और उसका मिसयूज़ कर ले, तो इस कंडीशन में आपको जेल भी हो सकती है अगर उनके ऑनर ने आप पे कंप्लेंट कर दी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से आप फ़ोटो या वॉलपेपर डाउनलोड करेंगे तो आपके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और आप बिल्कुल सेफली यहां से फ़ोटो और वॉलपेपर जो भी चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर किसी फ़ोटो आपको डाउनलोड करनी है तो आप उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सचिन, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की मुझे इमेज डाउनलोड करनी है। आप भी बहुत सारी इमेज डाउनलोड करते होंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की इमेज डाउनलोड करनी है। मैंने यहाँ पर इमेज बहुत सारी इमेज खुल गई हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ से फ़ोटो डाउनलोड करनी है, तो अगर मैं यहाँ से अब इनको डायरेक्ट अगर डाउनलोड कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे कॉपीराइट क्लेम हो सकता है और मुझे किसी का भी यहाँ पर कोई भी मुझे कंप्लेंट कर सकता है या मुझे नोटिस भेज सकता है कि मैंने उनकी फ़ोटो डाउनलोड कर ली। क्योंकि देखिए, ये फ़ोटो जो खींची हुई है ये किसी ना किसी ऑनर की खींची हुई है, ठीक है। जो फोटोग्राफर है या जो कंपनी है इसके ऊपर उनका कॉपीराइट होता है और वो आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक ट्रिक है और जो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ क्लिक करना है थ्री लाइन्स के ऊपर। जब आप यहाँ थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट एक ऑप्शन दिखेगा, आप यहां पर क्लिक कीजिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह से फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं या वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप किसी भी परेशानी से बचें। अब जब इस तरह से आप कर लेंगे डेस्कटॉप साइट से, तो आपको देखिए यहां पर ऊपर एक टूल्स का एक ऑप्शन यहां नज़र आएगा, ये टूल्स का। आपको यहां टूल पर क्लिक करना है। देखिए, मैंने यहां टूल पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप टूल पर अब क्लिक कर देंगे तो अब एक और नीचे लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ ये यूज़र राइट्स हैं, ठीक है। देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। टूल पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन नज़र आएगा, यूज़र राइट्स। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, मतलब ये इस पर हर किसी का लाइसेंस लगा हुआ है। अगर आपने फ़ोटो डाउनलोड कर ली तो आपके ऊपर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है या आपको आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको यहाँ जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है यहाँ, या फिर यहाँ तीसरे नंबर पे, आपको इन दोनों नंबर पर क्लिक कर सकते हैं, दूसरे या तीसरे में से किसी पर भी। देखिए, मैंने यहाँ दूसरे पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी ये फ़ोटो खुली हैं, ठीक है, जितनी भी यहाँ पर फ़ोटो खुली है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ और कुछ भी यहाँ से यूज़ में उसका ले सकता हूँ। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो दूसरे नंबर का ऑप्शन था वो क्या है, लेबल्ड फॉर रीयूज़ और मॉडिफिकेशन के साथ, मतलब मैं इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और इसमें छेड़छाड़ भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से अगर इमेज इनकी फ़ोटो डाउनलोड करेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, चाहे आप इसका कुछ भी यूज़ अगर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने वहाँ से पहले, जो मैं बता रहा था, अगर वहाँ से आपने फ़ोटो डाउनलोड करी या वॉलपेपर डाउनलोड किया तो आपके खिलाफ़ कोई भी कभी भी कार्रवाई कर सकता है। मान लीजिए किसी ने अगर फ़ोटो का मिसयूज़ कर लिया उन फ़ोटोज़ का, तो आपके खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है आपके फ़ोन का, वो इनके पास पहुंच जाता है कि किस आईपी एड्रेस से फ़ोटो डाउनलोड की गई थी। तो दोस्तों, ये थी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि किस तरह से आप जेल जाने से बच सकते हैं अगर आप गूगल की
गूगल से फोटो या वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।